अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ, नहीं सर, हमारे शो नहीं पास हो है रहा। नहीं चार सर, मोहम्मद अहमद हैं, जाकिर हुसैन हैं, सैयद शाहिद हुसैन, आकाश राजा, जुहेब, मोहम्मद अहमद अली, वलीद खान, चौधरी एहसन, दानिश खान, मोहम्मद अदनान, अवर चौधरी, उजैर जट। सर मेरा नाम असरुल्लाह के, इधर आकाश राजा सर, वही मेल पे लिखा हुआ, इसलिए वो हो रहा है सर। थैंक ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, जितनी भी हैं। यू सर। ओके, सो तो स्क्रीन स्क्रीन आपको नजर आ रहा है अभी? नहीं सर, नो नो सर, सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो नो सर। मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। आप स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर, ठीक है। यस सर। अच्छा, अभी 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 थोड़ा सा कहीं से और से एक 2D ड्राइंग देखते हैं, एक 2D स्केच देखते हैं, और फिर उस पर ट्राई करते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह एक 2D ड्राइंग बना सकते हैं। सो दानिश खान जी, पूछें। नो नो सर, वैसे ही हो गया। ठीक है, हारून नहीं आया अभी तक। तो कहीं से कहीं पे, लेट सपोज मैं यहाँ पे ऑटो के 2D इमेज मैं सर्च कर देता हूँ, मुझे कहीं एक 2D इमेज मिले सिंपल सा, और उसको मैं बना दूँ। तो नहीं, ये माफ करना। ठीक है, बहुत बेसिक सा इमेज देखते हैं ताकि हम बनाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत बेसिक सा इमेज जो आप लोगों को समझ आ जाए। नेट से मैंने रैंडमली सर्च किया, लेट्स सी। ये देखते हैं, ये मेरे ख्याल में काफी सिंपल है। सबसे पहले आप देखिए, किसी भी ड्राइंग को समझने के लिए आपको क्या देखना है। देखिए, मैं एक रैंडमली इमेज मैंने उठाया, यहां मैंने देखा तो कोई यूनिट्स वगैरह इसके साथ नहीं गिवन, इसके साथ कोई यूनिट्स नहीं गिवन, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने डेसिमल में ही बनाने हैं। ठीक है, तो इसके सर साथ कोई यूनिट्स स्क्रीन नहीं नहीं आ गिवन, रही। सो मैंने ऑटोमेटिकली ट्राई करने के इसको मैं डेसिमल में ही बनाऊं। ठीक है, और फिर आप इसके डायमेंशंस को देखें। देखिए, ये 12 है, ठीक है, इसके यूनिट्स तो 12, और सर आप स्क्रीन मुझे, शो नहीं हो रही। हाँ सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर जस्ट सर, ब्लैंक कुछ क्यों पेज नहीं आ है, रहा जो स्क्रीन आपको शो नहीं लेख हो सर। रहा? नहीं, ब्लैंक पेज है सर। बिल्कुल सर, ठीक ब्लैंक है। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, और ये जो है ओके मेरा, सर। जो है इसको मैं सेव कर देता हूँ, इस इमेज को इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग डेस्कटॉप के ऊपर ये। अच्छा, ये तो मेरे पास पड़ा नहीं। शोर है? नो नहीं सर, अभी भी ब्लैंक सर, पेज है। ये मेरे ख्याल में नहीं सर, ब्लैंक इसका, पेज ही है। नहीं अच्छा व्हाइट पेज आपको ब्लैंक शो हो रहा है। नहीं ब्लैक पेज है सर, सिर्फ वो नो साइड नो पे सर, आइकन सर शोर ऑटो है। ऑटो कैड चलाओ है, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा। ऑटोकैड को आइकन शो रहे हैं, फाइल एडिट व्यू इंसर्ट ये फॉर्मेट शो हो रहा है, टूल ड्रा इसको मैं डायमेंशन अगर, मॉडिफाई विंडो हेल्प, ये न्यू शेयर और देखिए। बाकी ब्लैंक पेज है। नहीं, बस ब्लैंक ये पेज है ठीक सर, है। अब कोई शो हो डायग्राम रहा है, नहीं आ रही। अब शो हो यस रहा सर, है, अब अभी हो शो हो रही रहा है। है। शो आ गई। जी यस सर, सर, अभी शो हो हो रहा रहा है। है। यस सर, तो इट मीन्स कि मैंने ये डाउनलोड किया रेंडमली नेट से, ठीक है, और जब मैंने इसको देखा
इवेलुएट किया तो इसके साथ कोई फीट इंचेस कुछ भी नहीं गिवन। सो इट मींस कि अगर कुछ नहीं गिवन तो डेसिमल में ही बनाऊंगा, ट्राई करूंगा। फिर देखिए यहाँ से यहाँ 12 है तो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 12 इस साइड पे, तो ऑलमोस्ट कोई 9, 10, 8, 9 इस साइड पे होगा वाई एक्सिस पे। तो जो मैं एम में सेटअप इसके लिए एरिया डिफाइन करूंगा तो 12 है, तो मैं कोशिश करूँ कि 24x24 एरिया में डिफाइन करूँ, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। साथ में चीज़ें गिवन है, तो ये मेरे पास स्क्रीन है और ये चीज़ें हैं। तो अभी अभी मैं देखता हूँ, ये स्क्रीन नज़र आ रहा है ऑटोकैड का? यस सर। अब ऑटोकैड सही है, इसको मैं सीख जी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एम वी सेटअप, एंटर, एन एंटर, डी एंटर, स्केल फैक्टर इज 1, एंड मैंने बताया कि मैं 24, 24, 30, 30 कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये मेरे पास एरिया आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले अपने ड्राइंग में आता हूँ, इमेज में, इमेज जो है, जब मैं इमेज को देखता हूँ तो यहाँ से यहाँ 12 है, ठीक है, और ये कितना है, ये है 7.6। सो 12 एक्स एक्स पे 12 और 7.6 वाई एक्सिस पे। तो लाइन ड्रा करता हूँ, बेशक एम आई सेटअप को मैं अब इरेज कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। सो एल एंटर, एफ एट, ठीक है, 12 और यहाँ पे इस डायरेक्शन में 7.6, समझ आ गया? अब कोई इशू तो नहीं है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, बड़ा सिंपल है, सिंपल इसलिए है कि यहां से यहां टोटल 12 है और यहां से यहां कितना है 7.6, देखिए 4.4 एंड 3.2, सही। अब देखिए सबसे पहले क्या है, यहां पे एक सर्कल है जिसका डायमीटर, देखिए ये सिंबल क्या है, डायमीटर का है, डायमीटर 3.6 है, और यहां से यहां कितना है, वो उसकी उसकी हाइट कितनी है, मतलब यहाँ से, बेशक इसको आप हाइट ना समझे, इट्स बेटर कि आप डायमेंशन, इसके जो डायमेंशंस हैं, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस कह दूँ, इसको मैं वाई एक्सिस कह दूँ, तो एक्स एक्सिस पे 3.6 है और वाई एक्सिस पे भी 3.6 इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो 3.6, 3.6। तो अगर मैं इसको इस तरह करूँ, ओके, ऑफसेट 3.6, 3.6 ये इस डायरेक्शन में और 3.6 यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इन दोनों को टी आर डबल एंटर से मैं क्या करूँ, ट्रिम करूँ, इसको भी ट्रिम करूँ, इसको भी ट्रिम करूँ, तो ये एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है उस सर्कल का, जो सर्कल का डायमीटर क्या है, 3.6 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ 3.6, यहाँ से यहाँ 3.6, और फिर इसका डायमीटर कितना है 3.6, तो 3.6 के लिए ये सी एंटर, और ये जो है क्लिक एंड ड्रैग, डी एंटर, डी एंटर करने के बाद 3.6 बाय डिफॉल्ट वो रेडियस होता है, तो ये हमारे पास आ गया 3.6। तो ये सर्कल हमने बना दिया, यहाँ से यहाँ 12 था, यहाँ से यहाँ क्या है, ये
3.6 और y पे 3.6। अब ये सेकंड को आप देखें, इसको यहां से यहां क्या है 8.4, यहां से यहां क्या है 8.4 x एक्सिस पे, और y पे क्या है 2, y पे क्या है 2, एक्सिस पे 8.4, y पे 2, ठीक है। तो ऑफसेट 8.4 यहां से यहां और फिर ऑफसेट 2। तो ये जो सेकंड सर्कल हमारे पास है उसका हमने सेंटर फाइंड किया ये, और फिर उसका डायमीटर जो है उस सर्कल का वो है 2.1। तो सी एंटर, डी एंटर 2.1। तो ये दो सर्कल तो हमने बना दिए, बेशक आप इन लाइंस को फिर खत्म करें, इसकी हमें जरूरत नहीं रही। ठीक है, तो ये दो सर्कल हमने बना दिए और यहाँ से यहाँ हमने बना दिए। अब देखें यहाँ से, देखें यहाँ से यहाँ क्या है 4.4, ठीक है 4.4, और फिर यहाँ से यहाँ क्या है 3.2। सो 3.2 एंड 4.4, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आएगा। तो ये हम किस तरह बनाएंगे? हमारे पास एक और भी है जिसको हम शैम्फर कहते हैं, शैम्फर से भी बना सकते हैं 3.2 3.2। वो किस तरह? ये हमारे पास कोई और भी डिफरेंट मेथड है, मैं दो तीन मेथड से बना देता हूँ इसे। तो वैसे मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ फुल, ठीक है, और यहाँ से भी एक वैसे एक जर्नल एक लाइन ड्रा कर देता हूँ और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। TR=N, दो तीन मेथड मैं दोनों मेथड से बना देता हूँ। फर्स्ट मेथड ये है कि CHA एंटर ये लाइन और ये लाइन, थ्री पॉइंट टू। ये आपने देखे ये क्या हुआ, शैम्फर बनाए, इससे यहाँ से यहाँ 3.2 और इससे यहाँ इस यहाँ से वाई एक्सिस पे 3.2, ये जो है टिल्ट हुआ है। तो ये तो एक ये भी है, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। एक दूसरा मेथड ये है कि ये मैं इस तरह ना करूं, बल्कि मैं इसका ऑफसेट ले लूं। मैं वैसे यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, इसका मैं वैसे ऑफसेट यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, वैसे एक जर्नल लाइन ले लेता हूँ विदाउट एनी डायमेंशन, ठीक है। इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ 3.2 और इसका भी मैं ऑफसेट लेता हूँ 3.2, और फिर मैं दरमियान में एक लाइन ड्रा कर देता हूँ इस कार्नर से इस कार्नर तक, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये लाइन इरेज कर देता हूँ, इस लाइन को भी इरेज कर देता हूँ, और इस जगह को मैं ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये सेकंड मेथड है जिससे इस मेथड से भी हम इसको इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है 4.4, इसके बाद लाइन है
डायग्राम में 4.4, ठीक है, ये 4.4 हो गया, और यहाँ से है, यहाँ से भी लाइन है 4.4, और फिर ऑटोमेटिकली जब ये दो लाइंस बन गए तो इसको आपस में आप जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास इसको हमने बड़े सिंपल तरीके से इस डायग्राम को बना दिया। बाद में आप ये करें कि ये लाइंस हमने हटा दिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये डायग्राम है हमारे पास। एनी इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो सर। आसान था? यस सर। जिया फैसल आप बना रहे साथ साथ, आप भी बताएं, आपने बना दिया? सर बना रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं अभी क्या। चलो मैं इसको थोड़ा सा, थोड़े टाइम के लिए इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। ये मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। सर इतना बना अभी? ठीक है, ये अभी आपको, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, बेहतर, ठीक है। कोई और बना रहे साथ में इसके अलावा? नहीं सर, हम समझ रहे, बाद में फिर बना लेंगे सर। ठीक है, ये साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको मैं अपलोड भी कर दें। ये सब रिकॉर्ड है सर। ठीक है, तो इसको इस तरह आप बना सकते हैं। वो ड्राइंग जो है वो अगर आप लोगों ने बना दिया है, वेल एंड गुड, अगर नहीं बना है तो मैं असाइनमेंट वन को चेंज कर देता हूं, उसमें कोई और फिगर या कोई और डायग्राम। सर वो इजीली हमने बनाया था, लेकिन सर डायमेंशंस का इशू आ रहा था उसमें, वो मुझे समझ आ गया। ठीक है, तो कोई और उसमें डायग्राम दे देता हूँ, उस पर आप प्रैक्टिस करें और फिर उसी को ही आप अपलोड करें, ठीक है? ओके सर। ओके सर। अभी हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट टू, हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट टू हमारे पास क्या है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है, ड्रॉ द 2D मॉडल यूजिंग एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स का मैंने आप लोगों को अगर आपको याद हो, एक वीडियो जो है ऑफलाइन मोड में मैंने शेयर की थी, उसमें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट हम पढ़ चुके थे। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है? तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, या खैर मेरे ख्याल में इसको ना हम कल आप लोगों की कोई क्लास है मेरे पास साथ हो सकती है कल, अगर नहीं है खैर ट्यूजडे इसी टाइम क्लास लेंगे। इसी टाइम तो आप लोगों की कोई क्लास नहीं होगी शायद? नहीं सर, इस टाइम तो नहीं, इसी टाइम टेस्ट है। कल क्या है, कल हमारे पास है वेडनेसडे, थर्सडे को क्लास हो सकती है, इस टाइम थर्सडे को, थर्सडे को इसी टाइम 6 बजे, ठीक है सर? सर क्विज है 6 बजे। सर क्विज है सर, थर्सडे को क्विज है, फ्राइडे को हो सकता है। यस सर, फ्राइडे फ्राइडे को सेकंड क्लास में लूंगा, जिसमें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स पहले ऑफलाइन वीडियो शेयर की है, वो आप देखेंगे, उसको आप जरूर देखें, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिर सेकंड आप लोग जो ना असाइनमेंट वन को अपलोड कर देंगे उस टाइम तक, फ्राइडे तक, ठीक है? ओके। और इस असाइनमेंट वन को आप बेहतर कोशिश करें कि जितना बेहतर हो सके आप इसको जो है
उसको एग्जीक्यूट करें ऑटोकैड के ऊपर और फिर इसको आप अपलोड करें रिटर्न फॉर्म में ले आए और कोशिश करें कि सबके पास फ्राइडे तक इंस्टॉल हो ऑटोकैड। देखिए अगर जब ऑटोकैड जो असाइनमेंट जी जी सर वो जो असाइनमेंट वन जो आपने केटी बनाने को वो वाली या कोई नई वाली देंगे आप? मैं कोशिश करूं कि मैं स्केच को चेंज करूं, डायग्राम के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा है डायमेंशंस का, तो मैं सर वो चेंज करूं जिसमें कोई इशू नहीं आ रहा, या बेशक ये वाला डायग्राम जो अभी हम बना रहे हैं इसी को ही आप ट्राई कर लें। ओके सर, इसी को ही मैं दे देता हूं, तो इसी को ही आप ट्राई कर लेंगे, ये आसान होगा। इसमें आप फिर डायमेंशंस आप साथ में अप्लाई करें। ओके सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कर देते हैं कि आप असाइनमेंट बनाइए, तो आप लोगों का मेरे ख्याल में 5 मिनट में बन जाएगा आप लोगों से। और सेकंड के आप फ्राइडे को जब क्लास लेंगे तो सारे स्टूडेंट्स के पास ऑटोकैड इंस्टॉल हो, स्क्रीन ओप मतलब आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर करें और साथ साथ जो है आप जो कमांड्स में अप्लाई करो आप लोग भी अप्लाई करते जाएं, ठीक है? कोई इशू है तो बता दे, कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से टाइमिंग हम चेंज कर सकते हैं या हम सैटरडे को भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। आज के लिए इतना काफी है? काफी है। अच्छा एक आप दोबारा से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबके पास ऑटोकैड इंस्टॉल होना चाहिए, वरना इस तरह रेगुलर क्लासेस होंगी और अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है तो काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल है तो हम बड़े आराम से क्लास ले सकते हैं, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह फ्राइडे तक हो जाएगा। एक तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, साथ में मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मेरे साथ साथ आप लोग जो है अगर कमांड्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको भी हम देख सकते हैं। यस सर, ठीक है। यस सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज, जजाक अल्लाह सर, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर ये डायग्राम तो शेयर कर दें ग्रुप में जो ये है। नहीं ये मैं दोबारा असाइनमेंट ही शेयर कर देता हूं आपको, ठीक है? ओके सर, असाइनमेंट में शेयर और ये वीडियो भेज देना, वाला डायग्राम होगा। आप कोशिश करें कि जो अभी अभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो इसी को अभी अभी मैं शेयर कर देता हूं, लेकिन कोशिश करें शेयर करने का वो। यस सर, इस पे प्रैक्टिस अभी अभी करें इसी टाइम पे। सर अभी आप भेज देना और ये वीडियो भेज देना। हाँ ये वीडियो भी मैं साथ साथ ना आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है? यस सर, ये वीडियो भेज दे पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। डायग्राम मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। ओके सर।